भारतीय जनता पार्टी के जिला व महानगर इकाई के तत्वाधान में पार्टी सदस्यता अभियान 2019 कार्यक्रम का आयोजन DVNDC कॉलेज के सभागार में किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला, गोरखपुर जिले के पार्टी प्रभारी व नोएडा के विधायक पंकज सिंह, जिला अध्यक्ष जनार्दन तिवारी, महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव के अलावा नगर विधायक डॉ राधा मोहन दास अग्रवाल, पिपराइच के विधायक महेंद्र पाल सिंह, सजनवा के विधायक शीतल पांडे, खजनी के विधायक संत प्रसाद, क्षेत्रीय सदस्य प्रमुख प्रदीप शुक्ला, पूर्व महापौर डॉ सत्या पांडे सहित अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में विधायक पंकज सिंह व पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने उपस्थित लोगों को भाजपा की सदस्यता दिलाई और उन्हें एक राष्ट्रवादी संगठन का सदस्य बनाने पर बधाई दी। इस मौके पर गोरखपुनी से बात करते हुए पार्टी प्रभारी व विधायक नोएडा पंकज सिंह ने कहा, अपने सदस्यता अभियान को आगे बढ़ाती है और सक्रिय सदस्यता भी नए सिरे से करती है हमारी पार्टी। उसी क्रम में आज से साधारण सदस्यता का अभियान शुरू हो रहा है। आज हम लोग एकत्रित हुए हैं आज गोरखपुर में। आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती भी है और इस अवसर पर हमारे सदस्यता अभियान की शुरुआत हुई। आप जानते हैं कि एक भारतीय जनता पार्टी की यात्रा जो 1952 से चली, एक जनसंघ के रूप में जो यात्रा 1952 से प्रारंभ हो गई थी और आज वह जनसंघ 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनकर आज हमारी भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद जब सदस्यता अभियान हम लोगों ने लिया तो उस सदस्यता अभियान में भारतीय जनता पार्टी सदस्यों की संख्या के मायने में अगर देखा जाए तो वह विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित हो गई। और इस बार 2019 का चुनाव जब आप देखेंगे तो पिछली बार 2014 से भी बड़ी विजय तो लोकसभा में हम लोगों को मिली, लेकिन इस बार मैं और दावे के साथ कहता हूं कि इस बार हम लोग सदस्यता अभियान में सदस्यों की संख्या के हिसाब से भी अगर देखा जाएगा तो मैं कह सकता हूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के इतने सदस्य हो जाएंगे कि विश्व की कोई भी पार्टी या कोई भी संगठन अगर कोशिश भी कर ले तो भारतीय जनता पार्टी जैसी ऊंचाई हासिल नहीं कर पाएगी। इस बार सदस्यता अभियान में हम सब लोग यह लक्ष्य लेकर आगे बढ़े। तो कोई कहता 15, कोई कहता 20, 25, 30 सीट बोलते थे, लेकिन हम सब लोग जानते थे कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार सीटें कम हासिल नहीं होंगी बल्कि लगभग हम सब लोग 2014 जैसा ही परफॉर्मेंस एक बार रिपीट करेंगे। और आपने देखा कि एक पिछली बार तो हम लोगों को मिलाकर 73 सीटें जो मिली थी लगभग उसके आसपास ही हम सब लोग इस चुनाव में भी पहुंच गए। और सच में कई बार तो यह होता है कि जब 5 साल सरकार में कोई दल रहे तो ये पूरे देश
देश में एक माहौल बनता है कि सरकार को लोग हराने के लिए वोट किया करते हैं, एंटी इनकम्बेंसी कहा जाता है कि सरकार के प्रति थी। लेकिन इस बार आपने देखा कि इस बार सरकार को रोकने के लिए नहीं, बल्कि एक बार फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए लोगों ने वोट किया है। यही कारण है कि सत्ता में 5 साल रहने के बावजूद और ऐतिहासिक फैसले बहुत सारे हुए जिसमें लोगों को यह लगता था कि अगली सरकार जब चुनाव भाजपा लड़ेगी तब हो सकता है जनता कोई फैसला दे ऐसे निर्णयों पर, लेकिन उन सभी निर्णयों को मैं समझता हूं कि 6 करोड़ वोट और ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को देकर इस देश की जनता ने उन सभी ऐतिहासिक फैसलों पर, उन सभी ऐतिहासिक निर्णयों पर और सभी जनहित के मुद्दों पर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है उस पर मोहर लगाने का काम किया और ऐसे विपक्ष के लोगों को भी करारा जवाब देने का काम भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर इस देश की जनता ने किया है। और चुनाव आते आते लोग ये कई बार पूछा करते थे कि भाई ये इस बार वोट विकासवाद पर मिलेगा, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लोग ये राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। बार बार मुझसे भी जब ये पूछा करते थे मैंने बार बार कहा कि बिल्कुल हम सब लोग विकासवाद की बात करते हैं। हम लोगों ने हर जगह पर जाकर लोगों को शौचालय मिल जाए, लोगों को आवास मिले, लोगों को पेंशन मिले, लोगों को बिजली मिले, लोगों को गैस कनेक्शन मिले। लगातार 5 साल तक इस बात की कोशिश हम लोगों के द्वारा की गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा की गई, लेकिन इस बात को भी कस के मजबूती के साथ हम सब लोगों ने रखा कि अगर अपने देश के ऊपर हाथ उठाने वाले लोगों की, अगर अपने देश के टुकड़े करने वाले नारे लगाने वाले लोगों को अगर यह विपक्ष के लोग उनका हौसला अफजाई करने का काम करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग राष्ट्रवाद की अलग जगाकर और मजबूती के साथ आगे बढ़ने का काम करेंगे ही करेंगे। और ऐसे में और इसमें कहीं पर भी कोई बुराई किसी को नहीं लगी। सदस्यता क्या होती है इसको अगर किसी से जानना हो तो भारतीय जनता पार्टी से कोई जाने। क्या भारत के प्रधानमंत्री भी अपने क्षेत्र में जाकर के अपने हाथों से भारतीय जनता पार्टी के नए सदस्य बनाने वालों की सूची फिर अपने अध्यक्ष कर रहे हैं। किसी भी राजनीतिक दल ने कमरे में बने बैठ के किया हो लेकिन लोगों के बीच में जाकर के लोगों को एहसास कराए कि हम किसके हाथों सदस्य बने। आज राजनीतिक स्थिति इतनी आगे बढ़ी है, मैं तो यहाँ के महिला कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहूंगा। आज कितना अच्छा दिन है कि भारत के संसदीय इतिहास में पहली बार 78 महिलाएं संसद सदस्य होकर के गई हैं, 78 महिलाएं जीत करके गई हैं। यह भी एक अच्छा अवसर है कि आज पुरुषों के बराबर भी मतदान करने का काम भारत की महिलाओं ने किया है। अगर पुरुषों ने किया है तो उसी सापेक्ष भारत की महिलाओं ने भी इस संसदीय इतिहास को स्वर्ण बनाने के लिए मतदान कर करके भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया। एक और अच्छी बात, कोई भी देश इस आधार पर जाना जाता है कि सरकार क्या निर्णय लेती है, सरकार के निर्णयों के आधार पर देश चलता है। कोई भी देश उस देश की अर्थव्यवस्था के आधार पर चलता है। प्रधानमंत्री ने इस देश की अर्थव्यवस्था को
ही हम इस देश का वित्त मंत्री का दायित्व देते हैं। तो 2,20,00,000 की बात कर रहा था, कार्यकर्ताओं ने उसे 8 करोड़ का लक्ष्य देकर के कहा कि हम 8 करोड़ करेंगे और जंग लगे हमारे नेतृत्व। तो 2,20,00,000 की बात कहे थे और कार्यकर्ता आगे बढ़ करके 8 करोड़ अधिक सदस्यता करने की बात कर रहे हैं। जब पंकज जी वहां से बोल रहे थे तो वो कह रहे थे और बड़ी पार्टी हमारी हो जाएगी, अब तो कोई छू भी नहीं सकता। जनता का इतना बड़ा उत्साह था, आपका इतना बड़ा परिश्रम था, लोग संसद की निगाह से देखते थे, पत्रकार भी कभी इस बात को नहीं कहते थे कि इतनी बड़ी संख्या में संसद में हम सभी लोग जीत करके आएंगे। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा कहा करते थे अब की बार 300 के पार। देखिए, सदस्यता अभियान आज हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज वाराणसी से इसकी शुरुआत की है और इसी प्रकार से हर जिले में कहीं ना कहीं कार्यक्रम करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस अभियान की शुरुआत हो गई है। और मैं समझता हूं कि स्वतः लोग भारतीय जनता पार्टी के काम को देखकर, श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी के काम को देखकर, पार्टी की नीतियों को देखकर, सरकार के कामकाज को देखकर स्वतः लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और पार्टी की विचारधारा से जुड़ रहे हैं। जी, कितना लक्ष्य हो गया? अब देखिए, इसमें मैंने कहा कि स्वतः लोग इसमें जुड़े जा रहे हैं और पिछली बार लगभग 11 करोड़ की संख्या आई थी और इसमें मुझे लगता है कि और काफ़ी हद तक इसमें और लोग जुड़ेंगे। ये हमारा अगस्त तक, 14 अगस्त तक ये सब अभियान मिलाकर चलेगा।